जसपाल जी, ये जो डिमोलिशन हो रहा है करलीस क्लब पर, गोवा पुलिस ने भी इसके लाइसेंस लाइसेंस को कैंसिलेशन के लिए लिखा था। इस ड्राइव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी अपील के जो फैसले में साफ जाहिर है कि ये इलीगल था, और इनफैक्ट पुलिस प्रशासन ने भी सरकार की एजेंसीज को लिखा था कि कुछ इनके पास जो इनके लाइसेंसेस हैं वो खारिज होने चाहिए फॉर गैर सामाजिक जो गतिविधियां हैं। तो ये प्रशासन ने इस बार इस फैसले के बाद तुरंत कार्रवाई करके जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयां हैं उनको करने वालों को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, और ये पुलिस को भी बहुत मदद करेगा इस तरह से, क्योंकि जब भी ऐसी कोई गैर कानूनी कार्रवाई पनपती है तो उसमें उसके जो अपराधी लोग हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर हम इसको देखते हैं, और ये एक अच्छा पहलकदमी है, और इससे बाकी लोग जो गैर कानूनी कार्रवाइयों में सम्मिलित हैं उनको भी एक किस्म की ये चेतावनी। गैर कानूनी मतलब जो ड्रग्स, खास तौर पर गोवा की बात करें तो आपका जो स्टेट है वहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, तो गैर कानूनी मतलब ये जो करलीस क्लब है, ये ड्रग के धंधे में कहीं ना कहीं शामिल तो था ही, तभी उसके ऑनर को अरेस्ट भी किया गया था और कई केसेस भी हैं। देखिए, जो इमीडिएटली इसको अरेस्ट किया गया था वो तो था कि अपनी प्रेमिसेस को इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों को इजाजत देने के मामले में, और फिर बाद में पता चला था कि शायद किसी क्रिमिनल ने एक हैदराबाद के केस में भी कोई कन्फेशन किया है, जबकि वो हमें कन्फेशन की अभी रिपोर्ट वहां से नहीं आई है। और वैसे भी इस तरह की बातें चल रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे जो गतिविधियां हैं उनकी प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, और इसीलिए वे बैक 2016 में भी शायद इसका कोई डिमोलिशन ऑर्डर हुआ था जिसकी अगेंस्ट ये अपील में गए थे। उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट ही बता सकता है, पर मैं इसको देखता हूँ कि इससे जो इस तरह की गतिविधियां हैं उन पे काफी ज्यादा अंकुश लगेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।